विजय दादा, आपने फॉर्म तो भर ही दिया है, तो इतना क्या सोचना, साइन करके खत्म कर दीजिए ना। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। दादा आप मेरी बात मानिए, जैसे ही लोन आपको मिल जाएगा ना, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और एक बार फिर आप नई साड़ियों का दुकान खोल सकते हैं। सोचिए, आपका यही सपना था ना जो पल्लवी ने तोड़ा। दीजिए ना साइन, फॉर्म तो वैसे भी भर लिया आपने। हाँ, मैं नहीं रोकूंगी आपको, क्योंकि आजकल आप मेरी बात मानते कहाँ हो। आपको करना है तो कर सकते हैं साइन, क्योंकि मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है। इन पिछले दिनों में जितना भी बुरा हुआ है, उससे और बुरा क्या करेंगे मेरे परिवार के साथ। वो पापा, अब तू ही कुछ चमत्कार दिखा और रोक इस अनर्थ को। आप कौन? अच्छा, जनकम्मा ने बताया था आप नए किराएदार हैं क्या? करेक्ट। नमस्ते एवरीवन, अंदर आ सकता हूं? चलो, कोई नहीं, मैं खुद अंदर आता है। आई नो, तुम सब लोगों को मेरे को यहां देखकर बहुत बड़ा शौक लग गया होगा। सोच रहा होगा कि मैं यहां क्या कर रहा है। चलो कोई नहीं, मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देता है। मैं जनकम्मा मैडम का नया टेनेंट है। इसलिए आज से इसी घर में मैं पूरा दिन यहां रहेगा और रात को घर जाएगा। ओके। ये मेरा रेंटल एग्रीमेंट जनकम्मा मैडम के साथ। अच्छा, तुम लोगों को लग रहा मैं झूठ बोल रहा है, ये सब फेक पेपर है। ओके, मैं तुम लोगों का डाउट अभी क्लियर करता है। हेलो जनकम्मा गारू, ये ला उन्नारो, मैं अभी आपके घर आया। साला संतोषम बाबू, बाउन नानु। एंड यस, आपका घर बहुत अच्छा है और यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत क्यूट है। मैं जरूर जानता है कि ये क्यूट लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, इनसे मेरा बहुत अच्छे से जमेगा। जनकम्मा गारू, सब लोग आपसे बात करने के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, आप सबको हाय बोलना। ओके। हाय सरदार, यही है वो किराएदार जिसके बारे में मैं तुमको बताया, वो बहुत स्वीट लड़का है। अपना कंपनी जेजे लिमिटेड के नाम से रूम लिया है। आई एम श्योर तुम लोग को भी ये इलाका बहुत पसंद आएगा। ओके मैडम, मैं आपका ब्यूटीफुल घर में
इन ब्यूटीफुल लोगों के साथ सेटल होके आपको वापस कॉल करता है। तब तक स्टे ट्यून्ड। अलागे बाबू उंटानु बाय। आप नहीं चाहता ना कि मैं यहां रहूं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग मिला है ना, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, प्रॉब्लम्स, सिर्फ यही हुआ है। बट आई प्रॉमिस कि आज से मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। दुश्मनी भूल के एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं विजय जी? शारदा जी, पल्लवी सबसे ज्यादा आपको मिस करता है। वो अपना फोन के वॉलपेपर में भी सिर्फ आपका फोटो लगाता है, नींद में भी आपका नाम बोलते रहता है। जब वो बीमार पड़ गया था, आई के सिवा और कुछ नहीं कहता था। शारदा, ओरिजिनल है, मानसी, पल्लवी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला है, तुमको बहुत मिस भी करता है। डोंट वरी बड़ा बिंदी, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। आज जैसा सब लोग मेरे से दूर भाग गया है, एक दिन जरूर आएगा कि मेरे सिवा तुम लोगों को और कोई नजर नहीं आएगा। तुम लोग जितना मेरे को हेट करता है, उसका डबल प्यार ना दिया तो मेरा नाम भी राघव राव नहीं। So, Raghav Rao, welcome to the Deshmukh family. जिस इंसान की उम्मीदों ने सिर्फ टूटना सीखा, उसके लिए दोबारा उम्मीद पे भरोसा करना मुश्किल है। बिखरी जिंदगी उतनी नहीं चुभती जितनी चोट ये टूटी उम्मीद दे जाती है। पल्लवी, जानता तू मैंने ये क्यों किया? फ्यूचर को अगर पास्ट के दर्द भरे चश्मे से देखेगा ना, तो दर्द के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, इंसान जितना पीछे कदम लेता है ना, उतना ही आगे छलांग लगाता है। इसलिए अपनी उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना, उसको कस के पकड़ के रखना, और फिर तुम देखना, तुम्हारा जीत जरूर होएगा। ये लो। ये क्या है अम्मा? शायद इसमें तुम्हारी उम्मीद को कस के पकड़ने का रीजन हो। लो, खोल के देखो।
कमरे से बाहर आओ। स्टूपिड राघव, अब ये क्या नई नौटंकी है इसकी। ये फ्लावर्स तुम्हें लाइफ का नया रास्ता दिखाएंगे। चाहते क्या ये दोनों पति पत्नी? पहले ही कम तूफान लाए हमारी जिंदगी में, जो ये राघव राव हमारे साथ रहने भी चला आया। जब हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें इस घर का कोई हिस्सा किराए पर क्यों देना है, और उस राघव को घर किराए पर चाहिए क्यों? मुझे लगता है किसी ने यह जानबूझ के करवाया, और शायद रोज जनक अम्मा से यही बातें होती थी फोन पे, क्योंकि कोई तिल से अभी भी पल्लवी और राघव के साथ ही है। विजय जी, अब ताने मारना बंद कर दीजिए, और जो कुछ भी कह रहे हैं ना साफ साफ कहिए। कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। आप गलत ही कह रहे हैं। मैंने राघव को यहाँ नहीं बुलाया है, मुझे खुद अभी पता चला है। आप उस लड़के के नफरत में इतने भी अंधे मत हो जाइए विजय जी, कि आप अपनों का साथ छोड़ दे। दादा, वहिनी सही कह रही है, मुझे नहीं लगता कि वहिनी ने राघव को यहाँ बुलाया है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये सब पल्लवी कर रही है। उसके गुनाहों की सजा दी थी ना आपने उसे, इसलिए वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए जानबूझ के उसने अपने पति को यहाँ भेजा है देशमुख परिवार से बदला लेने के लिए। अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दो, और अगर कहानी बनानी भी है ना तो किसी लोकल मैगजीन में जाओ, वो ऐसी बकवास कहानी छाप देंगे। पल्लवी को अगर कुछ करना है ना तो वो अकेली करेगी, किसी की मदद की जरूरत नहीं है उसे। वो सब तो हमें भी पता है वहिनी, उसे देशमुख परिवार की कभी जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए तो राघव राव से अकेले में शादी की उसने। सुलोचना, कुछ गलत नहीं कह रही है शारदा। पल्लवी का साथ नहीं होता तो राघव उसी घर में क्यों आता जहाँ हम रह रहे हैं? मुझे राघव की नफरत ने नहीं, तुम्हें पल्लवी के प्यार ने अंधा कर दिया है शारदा, और वो भी इस हद तक कि राघव राव अचानक इस घर में रहने के लिए आ गया है। इतना बड़ा सच तुम देख ही नहीं सकती हो। विजय, दादा, दादा आप शांत हो जाओ। दादा, आप तो मुझे ही कोसती रहो वहिनी, पता नहीं उस पल्लवी ने आप पे क्या जादू कर दिया है। विजय दादा की तो आंखें खुल गई, पर आपकी आंखें बंद की बंद है। पहली बार विजय दादा ने सही सवाल किया है कि राघव राव यहां आया ही क्यों है। ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि राघव राव यहां किराएदार बन के आया क्यों है, लेकिन उससे पहले उन लोन पेपर्स पे विजय दादा के सिग्नेचर्स तो ले लूं, वरना मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग फंस जाएगी। लगता है घमंडी राव पूरी तरह पागल हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस पल्लवी, तुम्हारी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है अब। राघव, तुम ये सब क्या है राघव? ये नोट्स, ये फ्लावर्स, ये टैब, कौन सा नया स्टूपिड प्लान है ये तुम्हारा? रिलैक्स रिलैक्स, बहुत इंपेशेंट है तुम। तुम्हारा गुस्सा भी मेरे तरह एकदम सेम है, बस फर्क इतना है मैं नॉर्मल लोगों की तरह अपना गुस्सा इस दुनिया पे निकालता है, और तुम अपना इस डायरी पे। मेरी डायरी कहां से आई तुम्हारे पास?
तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है? स्कूल में टीचर्स जब मैनर्स और एटिकेट सिखा रहे थे तब सो रहे थे क्या तुम? इतना भी नहीं पता, दूसरों की पर्सनल डायरीज नहीं पढ़ते? पता है, लेकिन ह्यूमन नेचर के सामने मैं हेल्पलेस है। जो चीज करने के लिए मना करो उसे करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने पढ़ लिया। और वो जगदीश दुकान का ओनर, उसके बारे में तुमने बहुत गालियां लिखा है, 3 पेज पढ़ के मैं बहुत बोर हो गया। बट यू नो व्हाट, मैंने एक चीज देखा है। तुम्हारा साड़ी का डिजाइन बहुत अच्छा है। ये एक एक करके मेरा सारा सामान तुम्हारे पास कैसे आ रहा है? तुम्हारे रूम के ड्रॉवर में मिला। हैप्पी? घमंडी राव, तुम मेरे घर पे हो। यस, सरप्राइज। अच्छा ठीक है, मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, पीछे मुड़ो। तुम मुड़ेगा या तुम्हारे सामने ड्रेस चेंज करो? गुड। अब तुम मुड़ सकता है, मैंने कपड़े पहन लिया है। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता कि तुम मेरे घर पर क्यों गए? घर पे क्यों गया मतलब? शादी होने के बाद मेरा घर, मेरा फैमिली तुम्हारा हो गया। तो सेम रूल मेरे को भी अप्लाई होता है ना? अर्धा महिंदा साड़ी का दुकान। राघव तुम बहुत बोलता है, तुम कभी तो अपना हस्बैंड का बात सुनो, अच्छा रहेगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वेट अ मिनट। हाँ तो स्वीटहार्ट, मैंने बोला था ना तुमको सरप्राइज देगा। तुम्हारा आई और बाबा। आई? का दुकान, तुम रो रहा है? मेरे को लगा तुम खुश हो जाएगा, तुमको इतना बड़ा सरप्राइज दिया मैं। देखो राघव, ये सब करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि वहां रहकर तुम उनकी और मेरी तकलीफ और बढ़ा दोगे। आज से तुमको या तुम्हारा फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। चलो बहुत हो गया इमोशनल बातें, मेरे को भूख लग रहा है, लंच लेकर आऊं। हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। आई स्वेयर, तुम्हारे अंदर का फाइटर वाला मोड ऑन करने के लिए तुमको सिर्फ एक रीजन चाहिए। मिसेस राघव राव, अगर तुम यहाँ खाना नहीं लेकर आएगा तो तुम्हें अपना फैमिली से कैसा मिलेगा? जरा दिमाग यूज करो ना। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली, दिमाग होएगा तब तुम सोचेगा ना। सब कुछ मेरे को ही समझाना पड़ता है। अब क्या करूं, मेरा कॉमन सेंस भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तभी मुझे यहाँ अकेला छोड़ के पिकनिक पे चला गया। तुम ये डिसाइड करो, तुमको मेरे से लड़ना है या खाना लेकर आना है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। गुड। घमंडी राव, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे 10-15 लाख रुपए मुझे सैलरी देता है ये सारे काम करने के लिए। वैसे बात तो सही कर रहा है, टिफिन देने के बहाने मैं सब लोगों से मिल भी लूंगी, मेरे लिए वही बहुत होगा। अपनी फैमिली से मिलने के लिए इस घमंडी राव के लिए टिफिन क्या, उसकी आरती भी उतार दूंगी। आई बाबा, मैं आ रही हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।